कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इनटू विद वैल्यू, आप इसको याद रखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इनटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट आपको 8.85 इनटू 10 टू द एप्सिलॉन नॉट में क्या सी नजर आ रहा है, तो सी ऊपर कूलम का स्क्वायर। न्यूटन में कभी स्क्वायर ना आएगा, न्यूटन आएगा कूलम स्क्वायर आएगा मीटर स्क्वायर आएगा। एक और फॉर्मूला पढ़ते हैं आप, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, जो स्फेरिकल कंडक्टर होता है उसकी कैपेसिटी होती है 4πε₀ के आर। यहां से एप्सिलॉन में सीधे आएगा आपको फैराड, आर का यूनिट मीटर, तो यहां से एप्सिलॉन₀ का एक और यूनिट आ गया फैराड अपॉन मीटर। तो एप्सिलॉन₀ की वैल्यू विद यूनिट याद रखना, एप्सिलॉन₀ का नाम क्या है, परमिटिविटी, परमिटिविटी परमिशन को रिप्रेजेंट करती है, विद्युतशीलता। अगर अपन इसके डायमेंशन की बात करें, इसका डायमेंशन देखिए, इसका डायमेंशन देखिए, फोर्स का डायमेंशन आपको मालूम है, सचिन धाकड़ जय हिंद, संजय जय हिंद, फोर्स का डायमेंशन हमने आपको चार डायमेंशन याद करवाए थे भाई, उसमें फोर्स को भी याद करवा दिया था, बल MLT माइनस टू, चार्ज क्यू इक्वल टू TI, तो चार्ज को क्यू भी रख सकते हैं, ऑप्शन देखेंगे अपन, और TA भी रख सकते हैं, I फॉर एम्पियर पीक टाइम के लिए। तो फोर्स का डायमेंशन MLT माइनस टू, चार्ज का TA, तो यहां से आ गया M-1 M-3 T4 T2, इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, प्रोसेस यानी MLT माइनस टू, बिल्कुल फोर्स का डायमेंशन याद रखना है, चार्ज का डायमेंशन TA याद रखेंगे, TI, चार्ज, चार्ज मतलब गुस्सा आवेश TI, कभी कभी वो आपसे 1/4πε₀, देखो 1/4πε₀, अब ε₀ नीचे पहुंच गया, तो क्या आपको ε₀ में कूलम नजर आ रहा है, तो सी नजर आ रहा होगा, तो कूलम। न्यूटन पे कभी भी स्क्वायर ना लगाया करें, या मीटर अपॉन फेरेट, फेरेट में भी आपको सी नजर आता होगा, कैपेसिटी होता है, देख लीजिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, तो 1/4πε₀ वो राम राम बेटा, आगे बढ़ जाए तो एप्सिलॉन नॉट, एक आपको कैपिटल जी का डायमेंशन बताया गया था, उसमें L+3 आएगा, इसमें -3 आ रहा है। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत दबाव, इसका बेसिक फॉर्मूला आप याद रखेंगे, V इक्वल टू W अपॉन Q, V को वोल्ट लिख सकते हैं, W को जूल लिख सकते हैं, और कूलम। इलेक्ट्रिसिटी में CGS को ESU बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में जो सीजीएस सिस्टम है उसको क्या कहोगे, ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, तो वोल्ट की जगह आप क्या कह सकते हैं, स्टेट वोल्ट, स्टेट या स्टेप बोल देते हैं, स्टेप वोल्ट, स्टेप वोल्ट, गौरव राठौर राम बेटा। और इनमें रिलेशन देखिए, अगर हमें 1 वोल्ट लाना है तो 1 जूल, 1 कूलम, 1 जूल आप जानते हैं 10^7 अर्ग, 1 कूलम 3×10^9 स्टेट कूलम, स्टेट कूलम, तो क्या लिखेंगे इसकी जगह, आर्ग अपॉन स्टेट कूलम की जगह स्टेट वोल्ट, तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू याद रखना 1/300 स्टेट वोल्ट, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1/300 स्टेट वोल्ट। साथ में ये भी याद रखना जो अपने यूज किए हैं, 1 जूल 10^7 अर्ग, 1 कूलम 3×10^9 स्टेट कूलम, ये डायरेक्ट एज रिजल्ट याद रखेंगे, 1/4πε₀ की वैल्यू 9×10^9 है, ये 3×10^9 है। अब इसका डायमेंशन देख लीजिए, इसका डायमेंशन दो तरह से कैलकुलेट करेंगे, W का आपको याद है ML2T-2, Q चार्ज बराबर TA, अभी देखा था, तो ML2T-3 A-1, ये कैलकुलेट कर लेंगे, Q के फॉर्म में भी दे सकते हैं, Q को Q लिखा, अब हमें पता कैसे पड़ेगा, ऑप्शन में दिया जाएगा, उसी हिसाब से हम सॉल्व कर लेंगे। मीटर अपॉन फेरेट कैसे आएगा, तो बेटा मीटर अपॉन फेरेट देखिए, C इक्वल टू 4πε₀ आर, सी फेरेट हो गया, आर मीटर हो गया, ये ε₀ का यूनिट है, तो 1/4πε₀ उल्टा कर दो, 1/4πε₀ उल्टा कर दो, ठीक क्लियर। ये देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यही EMF का भी होता है, यही डायमेंशन EMF का भी होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यही होगा EMF। आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटी धारिता देखिए, धारिता C इक्वल टू क्यू अपॉन वी, जैसे जैसे चार्ज देते हैं पोटेंशियल बढ़ता है, बेसिक फॉर्मूले से स्टार्टिंग किया करें,
1 फैरड दिया, 1 फैरड कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, आपने चार्ज 1 कूलम दिया और उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज हो गया, विभव कितना बढ़ गया 1 वोल्ट, 1 कूलम 3 into 10 to the power 9 कूलम, 1 वोल्ट 1 upon 300 स्क्वायर वोल्ट, सॉल्व कीजिए ऊपर ले जाइए इसको, तो 9 10 11 याद रखेंगे 9 10 11 स्टेट फैरड, तो 1 फैरड इक्वल टू 9 10 11 स्टेट फैरड, 9 10 11 स्टेट फैरड, संजय कश्यप भी एमएलटी माइनस मनी किसका लिख रहे हैं, तो 1 फैरड ध्यान रखना फैरड कैपेसिटी है, फैरड जो है धारिता है, लेकिन फैराडे, फैराडे जो है वो चार्ज है, फैराडे क्या है चार्ज, अगर आपसे पूछा जाए 1 फैराडे कितना होता है 96,500 कूलम, याद रखेंगे इसमें भी डबल निशान लगा लीजिए, 1 फैराडे 96,500 कूलम, अब बात आती है इसकी यूनिट की डायमेंशन की, तो एमकेएस और सीजीएस, सीजीएस को क्या बोलते हैं, ईएसयू, सी को फैराड बोल दो या कूलम अपॉन वोल्ट बोल दो, सीजीएस में स्टेट शब्द लगा दो, स्टेट मतलब रुका हुआ, और स्टेट कूलम अपॉन स्टेट वोल्ट बोल दो, 96,500 कूलम बिल्कुल बढ़िया, आगे बढ़ जाए, अब इसका डायमेंशन देखिए, अभी आपने भीज इक्वल टू जाना, ये डबल निशान क्यों, तो डबल निशान का मतलब है ये आपको एज रिजल्ट याद रखना है, भी की वैल्यू रख दीजिए डब्ल्यू अपॉन क्यू, भी की वैल्यू डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो इक्वल अपॉन डब्ल्यू हो जाएगा, अब इस पे निशान नहीं लगाया तो इसको एज रिजल्ट मत याद करना, अब यहां से देखिए एक बार हमने क्यू को क्यू ही रहने दिया, डब्ल्यू आपको याद है, तो एम माइनस वन एल माइनस टू टी टू और ये क्यू टू, एम माइनस वन एल माइनस टू टी टू क्यू टू, एक बार हमने क्यू को टी लिख दिया, क्यू को ज्यादा ऑप्शन रहेगा वैसे अपन चलेंगे, तो एम माइनस वन एल माइनस टू टी फोर टी टू, ज्यादा ऑप्शन रहेगा वैसे अपन चले जाएंगे, नीरज कुमार जैन बेटा कुशल बालक, तो सी इक्वल टू क्यू अपॉन बी, बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, कुछ छोटी छोटी यूनिट भी याद रखा, पिको फैरड 10 टू द पावर माइनस 12 फैरड, नैनो फैरड 10 टू द पावर माइनस 9 फैरड, माइक्रो फैरड 10 टू द पावर माइनस 6 फैरड, मिली फैरड स्मॉल एम मिली के लिए 10 टू द पावर माइनस 3 फैरड, नीरज कुमार खुश रहो बेटा, हमेशा आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़े, ये हमारी बात हुई थी, अगर सी और बी को दोनों को मिला दें यानी स्टोर्ड एनर्जी इन कंडेंसर और कैपेसिटर 1 अपॉन टू सी बी स्क्वायर 1 अपॉन टू क्यू बी और 1 बाई टू नहीं भी दिया जाए क्योंकि डायमेंशन में देखो 1 बाई टू का कोई मतलब तो है नहीं, ये डबल निशान हम लगा देते हैं जैसे आपकी सुविधा के लिए, आपको ये याद है क्या याद करना है, बहुत सारे फॉर्मूले संधारित्र में संचित ऊर्जा, तो आपने सी को पढ़ लिया बी को पढ़ लिया दोनों को साथ में लिख दिया, इसका डायमेंशन आपको डायरेक्ट पूछ लेंगे, तो एनर्जी का आपको पता है ML2 T माइनस 1 बाई 2 से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात करें रेजिस्टेंस की, प्रतिरोध R इज इक्वल टू बोल देना B अपॉन I, R को आप ओम बोल सकते हैं, B को वोल्ट और I को एम्पियर, ओम बराबर वोल्ट अपॉन एम्पियर, तो R इज इक्वल टू B अपॉन I। अब इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, B का डायमेंशन अभी आपके सामने लाए थे, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू से डब्ल्यू एम एल टू टी माइनस टू क्यू टी है, तो एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ये था एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन अपॉन ए, तो ये आ गया एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू, तो 12/32 याद कर सकते हैं, वैसे आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए आपको रटवा लिया इसको, आप ऐसे कैलकुलेट कर लें, तो आर का यूनिट आर इक्वल टू बी अपॉन आई, कंडक्टेंस क्या हो जाएगा इसका उल्टा कर देना, कंडक्टेंस मतलब होता है फ्लो होना, चालकता रुकावट का उल्टा हो जाएगा, सी से लिख देते हैं, जी से कैपेसिटी लिखा इसलिए सी से लिखा, तो इसका जो यूनिट है ओम इनवर्स कह दो, साइमन भी बोल सकते हैं, तो ओम इनवर्स या साइमन या ओएचएम उल्टा लिख दो, एमएचओ भी लिख सकते हैं,
आर्डर आर्डर डायमेंशन आपको पता है, और इसको उल्टा कर देना है तो m माइनस वन, देखिए आर्डर डायमेंशन क्या एम एन टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू, इसको हमने उल्टा कर दिया तो कंडक्टेंस का डायमेंशन आ गया। जो यूनिट प्रतिरोध का होता है, प्रतिरोध को हमने आर से लिखा, रेजिस्टेंस को प्रतिघात, रिएक्टेंस को हम एक्स से लिखेंगे, इंपीडेंस, तीनों ही रुकावटें, तीनों के यूनिट डायमेंशन एक ही होते हैं, प्रतिबाधा, इसको अपन जेड से रिप्रेजेंट करेंगे और तीनों का यूनिट एक ही रहेगा ओम। तो रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इंपीडेंस, तीनों का यूनिट ओम। सभी बालक नोट्स जरूर बना दे जाना। अब बात करेंगे अपन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की, विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता की। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, रो इसके नाम है दो, रेजिस्टिविटी, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, इसका एक फॉर्मूला याद रखेंगे, रो इंटू एल अपॉन ए, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, आर इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। आर का यूनिट अपन ओम जानते हैं, रो का कैलकुलेट करना, एल का यूनिट मीटर और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, तो इसके इसके यूनिट में केवल मीटर से मल्टीप्लाई करना है, तो इसके डायमेंशन में मीटर यानी एल से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का डायमेंशन आ जाएगा, रेजिस्टिविटी का। अगर हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, हाँ ये खास बात, और अगर हम R और C दोनों को मिला के रख दें, R C, ये आपको L में T नजर आएगा, L और R, L बाई R और रूट L C, इनको डायरेक्ट याद रखेंगे, इसका डायमेंशन आएगा T। इसको उल्टा कर दें, वन अपॉन R C, R अपॉन L, वन अपॉन रूट L C, ये आएगा T माइनस वन। एक एग्जांपल के द्वारा आप समझे, यदि आपसे पूछा गया, क्या डायरेक्ट पूछ भी जा सकते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखते हैं इनको, इनको डायरेक्ट याद रखेंगे। R बाई L में आपको T नीचे नजर आ रहा होगा, डायमेंशन ऑफ सी स्क्वायर एल आर, बताइए सी स्क्वायर एल आर की विमा, ऑप्शन हम लिख देते हैं, टी है, टी स्क्वायर है, टी क्यूब है, नन ऑफ दिस, आंसर आप लोग बताइए, बताएं भाई आंसर दें, बताएं गौरव राठौर, संजय रोशनी, सभी बच्चे आंसर दें, बताइए सी स्क्वायर एल आर, तो धीरज आंसर भी बता रहे हैं, धीरज संजय भी बता रहे हैं, तो देखिए इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, सी स्क्वायर एल आर को एल सी इंटू आर सी लिख सकते हैं, अभी हमने देखा रूट एल सी टी है, तो एल सी कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर आर सी टी, तो टी क्यू एल अपॉन आर सी, इसका डायमेंशन बताइए, एम्पियर, बोल दीजिए, बताएं आंसर, नीरज कुमार आंसर, फीस के लगा ये हो गया, टीके बताइए इसका आंसर, बताइए एल अपॉन आर सी भी, एल अपॉन आर को क्या लिख सकते हैं भाई, एल अपॉन आर को टी लिख दीजिए, एल अपॉन आर को टी लिख दीजिए, बताए L अपॉन R को T लिख दीजिए, और CV को क्या लिख सकते हैं, Q प्रोपोर्शनल VQ इक्वल टू CV, ये याद रखा है, Q प्रोपोर्शनल VQ इक्वल टू CV, तो L by R को लिख दिया T, L by R को क्या लिख सकते हैं, T, तो T लिख दिया, CV को Q लिख दिया, Q अपॉन T करंट होता है, तो ये करंट का उल्टा हो गया, करंट का यूनिट होता है एम्पियर, तो एम्पियर माइनस वन, तो एम्पियर माइनस वन आंसर भी होगा भाई। आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी, आई का यूनिट होता है एम्पियर, तो टी अपॉन क्यू क्या हो जाएगा, एम्पियर का उल्टा हो जाएगा, तो गौरव भी आंसर बता रहे, बहुत बढ़िया, सचिन भी बहुत बढ़िया, पवन जैन आगे बढ़ना होगा, एक बार फिर से याद कर लीजिए, आर सी एल बाई आर रूट एल सी टी बन अपॉन आर सी, आर बाई एल बन अपॉन रूट एल सी टी माइनस वन, इस पर तो हमने आपको एग्जाम्पल भी कराए, आगे बढ़ना होगा,
पिछले टाइम पर हमारी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पर अधूरी चर्चा हुई थी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो हमारी बात जिस पर हो गई थी उस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। एफ इज इक्वल टू बिल साइन थीटा, डायमेंशन केवल एक ही लाइन में अपन कैलकुलेट कर देते हैं। अब बात करेंगे हम यूनिट के बारे में, इसके डायमेंशन की खास बात है, इसमें एल नहीं आता, इसमें एल नहीं आता। यूनिट देखिए, फोर्स का यूनिट न्यूटन, आई का यूनिट एम्पियर और लेंथ का यूनिट मीटर। तो यहां से बी का जो यूनिट आ गया न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, पांच यूनिट इसके आप याद रखेंगे, टेस्ला भी याद रखें, वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। सीजीएस में दो याद रखेंगे, गॉस और ऑरस्टेड, ये एमकेएस और ये सीजीएस, और इनमें रिलेशन वन टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस। तो यहां से गॉस इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला, गॉस बराबर ऑरस्टेड, गॉस बराबर ऑरस्टेड, गॉस और ऑरस्टेड बराबर है, बराबर ऑरस्टेड हरीफ मोहम्मद न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। सर इस बार एयरफोर्स में हो गया आपकी कृपा से, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। सर्वेश, सर्वेश को बहुत बहुत बधाई एयरफोर्स में सेलेक्ट होने के लिए, और सभी बालक चैनल को जरूर शेयर करें जिससे अपना चैनल भी आगे बढ़े और आपको क्लासें लगातार मिलती रहे, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे देखने वाले होते हैं, कई बार तो ऐसा हुआ कि हम पढ़ा रहे हैं और एक तो बच्चे ही लाइव है तो फिर एक बात जम नहीं पाती है, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़िए और आप भी खुद मतलब ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को बताइए। हाँ, आपको रिजल्ट जो बालक हमारे चैनल से पढ़ेगा हम आपको भरोसा दिला रहे हैं, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, सामना रिजल्ट मिलेगा। हो ही नहीं सकता कि आप फिजिक्स में फेल हो जाए, आगे बढ़ना होगा। हाँ, अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या पांच मिनट आपने याद किए थे, अगर हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, इसको आप ई से लिखेंगे, ई इक्वल टू दो फॉर्मूले याद रखें, बी अपॉन डी, बी यहां वोल्ट है और डी यहां मीटर है, एक यूनिट तो आपको ये याद रखना है, वोल्ट अपॉन मीटर। हालांकि मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा यूनिट आप इस फॉर्मूले से न्यूटन अपॉन कूलम, ये डबल निशान क्यों, तो डबल निशान का मतलब है आप इसे मेमोराइज करेंगे, डायरेक्ट न्यूटन अपॉन कूलम, तो दो यूनिट आप याद रखेंगे। डायमेंशन देखिए, फोर्स का ML T-2, क्यू का TA, ML T-3 A-1, ये ध्यान रखा दें, क्यू आई बराबर क्यू अपॉन टी, तो क्यू बराबर टी आई या क्यू बराबर टी ए।